खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गंगा यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं मिर्जापुर, वो जिला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बिल्कुल सटा हुआ है और जहां से वर्तमान में अपना दल की अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। पूर्वांचल की जमीन पर आज प्रियंका का भक्ति अवतार दिखा, लेकिन क्या प्रियंका के भक्ति अवतार से मिर्जापुर में कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? आखिर प्रियंका के इस चुनावी दौरे पर क्या सोचती है मिर्जापुर की जनता? गंगा यात्रा में आज विजय विद्रोही इसी सवाल के साथ प्रियंका पॉलिटिक्स की पड़ताल कर रहे हैं। वोट यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका गांधी का भक्ति अवतार छाया रहा। मिर्जापुर की सीमा में दाखिल होते ही प्रियंका गांधी सबसे पहले विंध्यावासिनी मंदिर में माथा टेकने पहुंची और मंदिर में विधिवत आरती से अपने चुनावी सफर का आगाज किया। हालांकि प्रियंका की इस भक्ति के रंग में भंग उस वक्त पड़ गया जब प्रियंका के पहुंचते ही मंदिर परिसर अचानक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। मंदिर में मौजूद कुछ लोगों ने अचानक मोदी मोदी के नारे लगा दिए, जिसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। और अब जब प्रियंका आ गई है मंदिर के अंदर, यहाँ ये लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। आप लोग मोदी मोदी के नारे, जय बोल, कोई मोदी जी का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम लोग दर्शन करने आए हैं। मोदी के नारे जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध करने के लिए आए हैं, हम लोग माता रानी के दरबार। तो जिन लोगों को इंतजार करना पड़ा है काफी वक्त से, उनमें से कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं काफी वक्त से, जब प्रियंका नहीं पहुंची थी। और जब प्रियंका गांधी पहुंची, सामने से जो भीड़ है उसने मोदी मोदी के नारों के साथ एक तरीके से प्रियंका गांधी का स्वागत किया। हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है, लेकिन प्रियंका के भक्ति अवतार से साफ है कि इस बार चुनावी बेतरनी पार करने के लिए कांग्रेस भी भक्ति की नाव में सवार होगी। और उसका सबसे बड़ा संकेत है प्रियंका गांधी का मंदिर में लिखा गया ये संदेश। यहाँ आकर अपने पूर्वजों के बंडों से मिलकर और सबकी श्रद्धा का एहसास होते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। जय माता दी। प्रियंका के इस संदेश से साफ है कि जिस पिच पर बीजेपी खेल रही है उस पिच पर कांग्रेस भी खेलने को तैयार है। प्रियंका की वोट यात्रा में इसकी झलक दिख रही है। कल प्रियंका ने प्रयागराज में पहले हनुमान मंदिर में पूजा की, फिर संगम घाट पर प्रियंका की भक्ति और अब मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माँ की आरती से प्रियंका ने इरादे जाहिर कर दिए। प्रियंका के तर्कश में सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड ही नहीं होगा बल्कि कांग्रेस सर्वधर्म संभाव का संदेश देने की तैयारी में है। इसलिए मंदिर से निकलते ही प्रियंका इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंच गई, जो जिले के 8% मुसलमानों के धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन पीएम मोदी विकास के एजेंडे पर चुनावी रण में उतरेंगे, इसलिए प्रियंका ने मुद्दों के तीर चलाने भी चालू कर दिए हैं। पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत में भी प्रियंका पूरे रौब में दिखी। शुरुआत सीतामढ़ी मंदिर से पूजा पाठ से हुई। लेकिन मीडिया से रूबरू होते ही ये जता दिया कि वाराणसी पहुंचने से पहले बीजेपी को प्रियंका के और सख्त तेवरों का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। पाँच साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? कल चौकीदार का जिक्र और आज 70 साल वाली रट पर चोट करके प्रियंका ने साबित कर दिया कि वो सियासी विरोधियों के हर हमले के लिए तैयार है।
और विरोधियों के सवाल जितने तीखे होंगे प्रियंका के तेवर उतने ही तल्ख। लेकिन प्रियंका की ये तल्खी वोट बटोरने में कितनी कामयाब होगी, इसका मिजाज भापने के लिए कल गंगा यात्रा में विजय विद्रोही प्रयागराज से मिर्जापुर पहुंचे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आप सबका स्वागत है। मैं हूँ विजय विद्रोही, हम मिर्जापुर में हैं। यहाँ आकर गंगा को यह एहसास होता है कि छोटी और सहायक नदियां कैसे गंगा को गंगा बनाती हैं। ठीक समझे आप, गठबंधन की राजनीति के दौर में हम बात करेंगे छोटी पार्टियों की भूमिका पर। बोट यात्रा के जरिए प्रियंका पूर्वांचल में एनडीए के किले को भेदना चाहती हैं, इसलिए वो महंगाई और रोजगार के मुद्दों को सिलसिलेवार तरीके से उठा रही हैं। इन मुद्दों से देश के गरीब का सीधा सरोकार है, जिसकी राय जाननी भी जरूरी है। इसलिए विजय विद्रोही ने गंगा घाट पर नाव चलाने वाले मोहम्मद अनीश और मनु से बात की और ये जानना चाहा कि प्रियंका की बात से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। प्रियंका गांधी आने से असर पड़ेगा तो कांग्रेस अच्छे दिन आएंगे? अब तो देखा भाई, तो इतना अच्छे दिन तो मोदियो कह रहे ने नहु कहते, हमारे लोग अच्छा दिन सबसे बढ़िया दिन तो पहले ही रहा, इस पांच साल से तो बहुत बुरा दिन बीता था। क्यों है? रोजगार ही नहीं रह गया बा, खाली घाटे सपा हो तो रोजगार के हो, रोजगार दे, घाट छोड़ दे सपा करना, रोजगार दे, रोजगार है ये नहीं बा का भैया, ठीक कहते ना, रोजगार है ये नहीं बा, जिन्नी फैक्ट्री बंद करा दिए, जो उनसे है महंगाई के ऊपर तवज्जो देवे नहीं करत है, तो का नाम बा कहाँ सुख से आदमी रही पब्लिक। प्रियंका गांधी कह रही है कि कांग्रेस में की कमान संभाल रही हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 40 साल 30 साल से कांग्रेस को देखा, अब इनका भी देखेंगे। प्रियंका गांधी से उम्मीद है आपको, लगता है कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो मोदी भी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे और ऐसा अच्छा दिन आएगा और कुछ नहीं हुआ साहब, नौकरियां कम हो गई। हाँ, जो काम धंधा करते थे वो भी बेकार हो गया। गंगा और गंगा किनारे की राजनीति को करीब से देखने वाले अनीश और मन्नू को ना तो मोदी से उम्मीद है और ना ही प्रियंका गांधी से। लेकिन जिले की बाकी जनता क्या सोचती है ये आपको दिखाएं। उससे पहले मिर्जापुर का सियासी समीकरण समझ लीजिए। सरसों की फसल पकने वाली है, जहां तक वोटों की फसल की बात है तो मिर्जापुर में कुल मिलाकर 18 लाख से ज्यादा वोटर है, इनमें 3.5 लाख से ज्यादा अकेले पटेल वोटर है। माना जाता है कि पटेल वोट जिस तरफ जाते हैं उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर महागठबंधन की छतरी तले यादव, मुस्लिम और दलित एक साथ आ गए तो फिर कहानी बदल भी सकती है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अभी भले ही एनडीए की अनुप्रिया पटेल का कब्जा हो, लेकिन मिर्जापुर में आखिरी बार 1998 में कमल खिला था और आंकड़ों में देखे तो मिर्जापुर एसपी या पीएसपी के खाते में ही गया है। 2009 में समाजवादी पार्टी जिले में जीती थी, 2004 में बीएसपी ने इस जिले में जीत दर्ज की थी, 1999 में एसपी का जिले में परचम लहराया था और 1998 में आखिरी बार बीजेपी जिले से जीती थी। इस बीच दो दशकों से ज्यादा का वक्त बीत गया, मिर्जापुर में कांग्रेस कमाल नहीं कर सकी, लेकिन क्या गठबंधन और बीजेपी की इस लड़ाई में प्रियंका फैक्टर का पत्ता चलेगा, इसका जवाब विजय ने चाय पर चर्चा के दौरान मिर्जापुर के लोगों से जाना। तो इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी महा बनाम महागठबंधन होगा, तो क्या स्थितियां में कुछ फर्क आएगा? फर्क तो आना चाहिए, गठबंधन से बीजेपी को नुकसान होगा और प्रियंका, प्रियंका से भी नुकसान हो सकता है। प्रियंका देखिए अभी गठबंधन करती है कि नहीं करती है। आपका क्या नाम है? अमरदीप सिंह। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से थोड़ी राजनीति के समीकरण बदलेंगे? बदल भी सकते हैं, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, टाइम है। ये भी तो हो सकता है महागठबंधन को नुकसान हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है बीजेपी मनाम महागठबंधन होगा तो? महागठबंधन तो दूर दूर तक नहीं है सर, ऐसा हमें जहां तक लग रहा है कि दूर दूर तक नहीं है। और एक बार भाइयों बहनों बस जहां आते हैं वो सारे बदल जाते हैं। हमारा जो कहने का मतलब है कि एक बार भाइयों बहनों का जो शब्द है शायद वो फिर से बदलेगा। अब क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क पड़ेगा पूरी? नहीं, आने से फर्क नहीं पड़ सकता है, लेकिन ये है कि इंदिरा की छवि तो है उनके अंदर, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा इसके लिए।
अभी तो नई नई आई है यहाँ पे, बैकवर्ड से उन्होंने बहुत कुछ किया है लेकिन फ्रंट में तो अभी आई है। शिक्षा स्वास्थ्य की बुनियादी हालत खराब है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, तो लोग अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के तरीके पे हो सकता है देखें महागठबंधन में, उसमें भी प्रत्याशी वो काउंट करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत मजबूत रहता है, उसके हिसाब से तो महागठबंधन बहुत प्रभाव डालेगा आने वाले समय में। प्रियंका गांधी महागठबंधन का नुकसान करेंगी या बीजेपी का करेंगी या किसी का नहीं करेंगी? नो डाउट सर, प्रियंका गांधी के आने से थोड़ा सा महागठबंधन को मेरे ख्याल से नुकसान पहुंच सकता है। चाय की दुकान से निकलकर बीजेपी विद्रोही शहर की उस जगह पहुंचे जो शहर की असल पहचान को आज भी संजोकर रखे हुए है। मिर्जापुर कभी अपने पीतल और कालीनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों में शहर और उसकी पहचान धुंधली पड़ती गई और कालीन व्यापारी विनोद कुमार सिंह की माने तो सरकार किसी की भी रही हो, राजनीतिक अनदेखी ने कालीन के व्यापार को और हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी अपना एक अलग कालीन ले आई है। हाँ बिल्कुल, उनका आया है, उनका इमेज, नए लोग बात कर रहे हैं, उठ रहा है, बातें तो उठ रही है कालीन को भी देखेंगे। लेकिन मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं, मोदी ने जितना कहा था उस हिसाब से उनको कुछ करना चाहिए, उस हिसाब से हुआ नहीं।